और बात दूसरे मुद्दे की, सरकारी छत पर यकीन करना एक गरीब कुनबे को इस कदर भारी पड़ जाएगा कि शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। खानपुर देहात का मामला है, भ्रष्टतंत्र का शिकार 6 मासूम हुए हैं और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले रिपोर्ट देखिए, समझिए हुआ क्या है। इस मां के आंसुओं का जवाब किसके पास है? एक झटके में अपना सब कुछ गंवा देने वाली इस मां के दर्द का हिसाब कौन देगा? इन चीखों से निकलते सवालों को कौन समझेगा? इस गांव के मातमी सन्नाटे का गुनहगार कौन है? भरथू गांव में बने सरकारी मकानों के बीच बिखरा ये मलबा उस मनहूस रात की कहानी कह रहा है, जब अचानक आसमान से मौत कहर बनकर टूटी थी और जिसमें दबकर 6 जिंदगियां काल के गाल में समा गई। इस हादसे का शिकार होने से सिर्फ 2 लोग बचे, एक बच्चों का पिता जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो दूसरी वो बदनसीब माँ जिसके सामने ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। अब गांव में सन्नाटा है, लोगों के जहन में कई सवाल हैं। सवाल न केवल उन सरकारी मेहरबानियों पर उठ रहे हैं जो जमीन पर आते आते दम तोड़ जाती है, तो सवाल सिस्टम के उन रखवालों पर भी है जिनके लिए गरीबों का आशियाना सिर्फ एक ड्यूटी बजाने और जेबें भरने का जरिया भर है। एक सिंगल कमरे का मकान था, काफी जर्जर था, उसी में लोग सोए हुए थे। 9:30 बजे के आसपास मकान ऑल ऑफ सडन कोलैप्स कर गया है और उसमें 6 बच्चों की डेथ हो गई है, पिता बच गए। हादसे का शिकार हुए बच्चों की उम्र 3 से 12 साल के बीच है। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये एक मजदूर के घर में पैदा हुए थे जिसने सरकारी योजना के भरोसे अपना आशियाना ये सोचकर सजाया था कि उसके बच्चों को छत मिल जाएगी। उसे क्या पता था कि छत की कीमत इतनी बड़ी होगी। हमारे भाई के साथ जो हादसा हुआ है, गरीब आदमी, गरीब परिवार अपने गरीबी में जीवन यापन कर रहा, कच्चा मकान, और आज दिन तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है कि कच्चा मकान गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई, पिता अस्पताल में आज जन्म और मौत पर जूझ रहा है। छोटे गोरे ये पात्र था कि गरीबी रेखा के उसमें है और इसका राशन कार्ड नहीं है, ये अति गरीब है। इसका इतना बड़ा परिवार था जो जमीन में लेटता था और उसको कोई सुनने वाला उसकी नहीं थी। ये सत्य कि छोटू ने प्रसाद अधिकारियों को बताया होगा कि हमारी किस्त नहीं मिली और वो इतना हमारा गांव दबाव में है, गरीब अपनी चीज को समझ नहीं पा रहा है। सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या होती है, कानपुर देहात की ये तस्वीरें इसकी गवाही चीख चीख कर दे रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 6 बच्चों की जान लेने वाले भ्रष्ट तंत्र को कातिल क्यों न कहा जाए, क्यों न इन बच्चों की मौत को हादसा नहीं कत्ल माना जाए, क्यों न उन लोगों पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाए जो इस सरकारी आवास को बनाने की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या हिम्मत है सरकार में, क्या हिम्मत है सिस्टम में? जी संगम सवाल कर रहा है उस तंत्र से जिसने बेशर्मी से ईमानदारी की चादर ओढ़ रखी है। इन गरीबों की मौत पर उसे जवाब देना होगा। योगेंद्र प्रताप सिंह, जी मीडिया, कानपुर देहात। वहीं कानपुर देहात के एडीएम शिवशंकर गुप्ता ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त ग्रह के लिए 15,000 रूपये गहनदान स्वीकृत किया गया है तथा 1 सप्ताह के खाने के लिए उनको 85 रूपये पर दिन के हिसाब से आहतुक राशि दी गई है। तो जिस तरीके से स्थिति सामने निकल कर आई है, सरकारी आवासों की हकीकत क्या है? 15,000 मुआवजा, 6 मासूमों की जान गई। कानपुर देहात के भरथू गांव का यह पूरा मामला सामने निकल कर आया, ये दर्दनाक घटना हुई है। ग्रामीण पूरी तरीके से यहां पर दहशत में बताए जा रहे हैं। आपको हम तमाम जगहों की हकीकत दिखा रहे हैं, खासतौर पर कानपुर में जो सरकारी योजना है जिसका सच, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है, केंद्र कितना देता है, राज्य कितना देता है, कौन कितना पीछे रहता है, कौन अपने हाथ खड़े करता है और किसकी कमी के कारण सबसे ज्यादा जो ग्रामीण हैं, जो उन्हें छत मयसर नहीं हो रही है, उनकी कितनी दिक्कतें, कितना नुकसान उनका बढ़ गया है, इसके
तस्वीर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। छह बच्चों की मौत पर प्रशासन का सबसे बड़ा मजाक ये है। एडीएम ने जो मुआवजे का ऐलान किया वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुआवजा है 15,000 और 15,000 में वो मकान बनवा देंगे। अगर बनवा दे तो बहुत बड़ी बात है। छह बच्चों की मौत पर प्रशासन का ये सबसे बड़ा मजाक है। और कानपुर देहात से ही हमारे संवाददाता योगेंद्र हमें ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। योगेंद्र, आपने रियलिटी चेक किया होगा, क्या गांव का सच है? और अगर एडीएम कह रहे 15,000 तो 15,000 में शायद घर नहीं बनते हैं और शायद वो छह बच्चे वापस नहीं आ पाएंगे जिनकी जान गई है। जी निहारिका, मैं आपको बता दूं, पूरे मामले में दरअसल 1.5 लाख रुपए प्रति एक बच्चा, मतलब 600 हैं बच्चों के, 600 के मुताबिक लगभग 9 लाख रुपए की रकम जो है वो प्रशासन द्वारा दे दी गई है। बड़ा सवाल ये उठता है, क्या जो 600 हैं, जो 6 बच्चों की जान गई है, उनकी कीमत महज 9 लाख रुपए ही है? वहीं जब एडीएम प्रशासन से जब हम लोगों ने बात की, हमने साफ तौर पर पूछा कि आखिर जो मेन, जो इसके पायदान पे लोग होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, जिनके द्वारा ये लोग चयनित किए जाते हैं, जिन्हें, जिनको चिन्हित किया जाता है कि इन्हें प्लाट का आवंटन करना है। वहीं इंदिरा आवास योजना की अगर बात करें तो 1985-86 के समय में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी। माना यह जा रहा था जो आम लोगों का तबका है, जो गरीब लोगों का तबका है, जो बीपीएल कार्ड धारक लोग हैं, उनको आवास आवंटित कराए जाएंगे। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं अफसरों का, अफसरशाही का बहुत बड़ा खेल सामने नजर आया है। प्रशासन भले ही कह रहा हो कि हमने मुआवजे की रकम दे दी है, लेकिन सबसे बड़ा पहलू जो सामने खुलकर आता है वो ये आता है, क्या 6 बच्चों, जो 6 मासूम हैं, इनके शवों की कीमत 9 लाख है? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अधिकारियों का पेच है, जहां से मेन ये जो जल है, दरअसल जो इंदिरा आवास योजना होती है, इसमें 35,000 की दो किस्तें जो बीपीएल कार्ड धारक लोग होते हैं, जिनको चयनित किया जाता है ग्राम प्रधान की ओर से, उन्हें दी जाती हैं। इस जो ये छोटू का मकान था, जिसके मकान में कल हादसा हुआ, आवाज मिल रही है, यही एक जो सबसे बड़ी, योगेंद्र आपके पास फौरन लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले एडीएम को सुन लेते हैं कि दरअसल उन्होंने इस मामले में कहा क्या। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त ग्रह के लिए 15,000 रूपये गहनदान स्वीकृत किया गया है, तथा एक सप्ताह के खाने के लिए उनको 85 रूपये पर दिन के हिसाब से आहेतुक राशि दी गई है। योगेंद्र, 15,000 ये क्लियर हो गया, अब ये बताइए कि ग्रामीण कितने आक्रोशित हैं, उनकी क्या मांग है? निहारिका, बिल्कुल, जब कल देर रात से ये हादसा जब सामने आया है, उसके बाद से लेकर लगातार हम लोग ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो ये रही है, आमतौर पर देखा यह जाता है जैसे मासूमों के शव थे जो हॉस्पिटल में थे, उन्हें सीधे हॉस्पिटल से उनके घर तक ले जाना चाहिए जहां उनका गांव था। लोगों की मांग थी कि उस शव को उनके गांव तक लाया जाए। बावजूद इसके प्रशासन ने सिर्फ इसलिए कि इस मामले को लेकर कोई बहुत बड़ा बवाल सामने न आए, इसलिए प्रशासन ने सीधे शवों को जिला अस्पताल से लेकर घाट तक पहुंचाया और वहीं जेसीबी मशीनें लगाकर उन्हें अब दफना भी दिया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इंदिरा आवास योजना की जो असल हकीकत है, जो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें, तो जो दो किस्तें हैं जो आवंटियों को दी जानी चाहिए, इसमें निहारिका मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रकरण में जो हादसा सामने आया उसमें कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान का सबसे बड़ा दोष सामने आता है। चूंकि जो किस्तें होती हैं 35,000 की, उसमें 35,000 रुपए में पहले जो आवंटी होता है उसको मकान बनाना होता है, मकान की फोटो खिंचवाकर उसे ग्राम प्रधान के पास सुपुर्द करना होता है, जिसके बाद उसकी दूसरी किस्त जो है वो निकलती है। लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खेल की वजह से ये जो छोटू था उसको उसकी दूसरी किस्त 5 साल बीतने के बावजूद भी अब तक नहीं मिल पाई थी। बिल्कुल, और ऐसे कितने लोग होंगे जो यहाँ पर तड़प रहे होंगे और एक छत के लिए मयस्सर होंगे, किश्तों के मोहताज होंगे? धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। लोगों का क्या कहना है वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भरतू गांव के लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। हम खड़े हैं कानपुर देहात के उस भरतू गांव में, जहां बीती रात 6 मासूम बच्चे ठीक इसी जगह पर काल के गाल में समा गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से जमीन पर ये ईंटें बिखरी हुई हैं, किस तरह से बिस्तर पड़ा हुआ है, और ये जो टूटी चारपाई है वो इस बात की गवाह है कि किस तरह से मासूम बच्चे यहाँ इस छत के नीचे सो रहे थे। वहीं एक जो कड़वी हकीकत इस हादसे से सामने आई है वो इंदिरा आवास की असल हकीकत सामने आई है। अरबों रुपए की लागत से केंद्र सरकार जो इंदिरा आवास योजना चला रही है, उसकी असल हकीकत यह है कि अधिकारियों और ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की बंदरबांट में असल मायने में ये योजना जो है वो गर्द में जाती नजर आ रही है। हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि आखिर उनको इस इंदिरा आवास योजना का कितना बेनिफिट मिला है। दादा, ये बताइए, आप लोगों को इंदिरा आवास अलॉट हुआ?
हम लोगों को जैसे इंदिरा आवास हमारे गांव वालों को अलाट हुआ है तो तमाम इस तरीके की कमियां हैं कि एक किस्त मिल गई, दोबारा हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस्त कहां गई हमारी। वजह यह नोट है कि सर एक कालू एक किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त अभी तक मिली नहीं है। एक कच्चा मकान था झोपड़ी, उसमें रह रहे थे, वो पता नहीं था, अचानक इसका मकान ढहने का अचानक हो गया। ये जाहिर है कहीं ना कहीं जो दूसरी किस्त है वही दूसरी किस्त इन मासूमों की जान जाने की वजह बनी है, और जो मासूम काल के गाल में समाये हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी का एक बड़ा हाथ नजर आता है। अगर इन दोनों की सहमति से इस आवंटी को 35,000 की दूसरी किस्त मिल जाती तो शायद इन 7 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। तो कानपुर देहात में आई दर्दनाक घटना के बाद जी संगम ने प्रदेश के दूसरे जिलों में सरकारी आवासों की पड़ताल करने की कोशिश की। आपको सबसे पहले गाजीपुर का हाल दिखाते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजीपुर की है, वो IHSDC योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए बने आवासों की तस्वीर है। ये देखिए ये आवास किस तरीके से डुड्डा के जरिए बनाए गए, जिसमें हर आवास की लागत 2,00,000 निर्धारित की गई। मानक के मुताबिक 2 कमरे, किचन, टॉयलेट, बाथरूम इसमें बनने हैं। 419 आवास की योजना थी। इस आवास के निर्माण में पहले तो काफी वक्त लगा, ऊपर से आवास बने भी तो इतने घटिया सामग्री से कि कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। इतना ही नहीं, मकान बनाने के नाम पर ही खाना पूर्ति बताती है कि किस कदर इसके निर्माण में लूट खसोट हो रही है। चार सौ उन्नीस मकानों में एक आपका ही मकान है, आपकी कैसे? वो भी नहीं बना है, मैं अपने पैसे लागू मतों से उसको मैं अपना कंप्लीट कराने के लिए मतलब व्यवस्था किया हूँ, बाकी इसमें कुछ अगल बगल लोगों का कैसे किया? कुछ नहीं, सब कुछ नहीं बना है। मेरे नाम से इशू हुआ था और कहें लोग के 3,000 रूपए जमा कर दीजिए और जमा हो जाएगा तो आपका मकान बनेगा। अभी तक मकान हमारा बना नहीं है। आपने पैसा जमा किया था? जी मेरे पास रसीद भी है जी। 2-3 बार मिले कहें कि आपका नाम है, बनेगा बनेगा, जब बनेगा तो आपका भी बनेगा। आ गया था मगर इस तरह बनाया गया कि ये मतलब एक तो बहुत समय साल भर लग गया बनाने में, थोड़ा थोड़ा समय में बनाए लोग। अब ये न दीवार सही है न कुछ, अपना सामान भी लगाया गया। अभी स्थिति कर दी न कमरा भी, एक लंबा लान बना दिए हैं लोग, उसमें ठंडा मौसम बरसा सब आदमी परेशान, लड़का बच्चा देख ही रहे कैसी क्या स्थिति है। वही स्थिति बाकी जब प्लास्टर ना भाई ना गिट्टी बालू जैसे के खिड़की दरवाजा ना लागल और सफेद बालू से थोड़ा थोड़ा बनवाया, अपन देख के हमने सब बनवाइले जा खिड़की दरवाजा। और अब जरा मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र चलते हैं और सरकार की ओर से चलाई जा रही लोहिया आवास का हाल जान लेते हैं। ये आजमगढ़ में योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारकों को मकान के लिए अनुदान मिलता है, लेकिन कई पात्र ग्रामीणों का आरोप है कि इसके लिए रिश्वत मांगी जा रही, फायदा उन्हें मिल रहा है जो ग्राम प्रधान या अधिकारियों के करीबी हैं। आजमगढ़ के सठियाव ब्लॉक में खसवा सराय गांव है, जहां से कई बीपीएल परिवार है जो योजना के हिसाब से लाभ पाने के योग्य है लेकिन फायदा अभी तक नहीं मिला उन्हें। प्रधान देवर नहीं किए हैं तो साहब क्या बताऊं? आपको घर मिला है? नहीं साहब, हमारा घर ना है तो? मड़ई का घर है। मड़ई घर है, क्यों नहीं मिला? अब हमको तो नहीं मालूम साहब को कहा ना मिले, लग लोग ने जानिए कौन राजनीति से ना देना ऐसा ना साहब कि उनसे प्रधान से कहा घर तो कान के तू बढ़िया आवा तो ऐसे आवा तो ऐसे आवा आम जब इनके समान में देखा जाता कि कितना हम बढ़िया आई आई आयुक्त आवास मिलल ना लोहिया आवास के आई कच्चा मकान है। हम के साहब ऐसा ना वो करकट मड़ई का घर है मन के किनाए आवास के देता वो कहलोगा लेकिन ना दे। आपसे कौन पैसा मांग रहा था? प्रधान मांगत रहे साहब 1,000 रुपया मांगते हमसे कि आपके आवास दे जाये तो 500 में देनी 500 भी ना देनी, बस हमारे आवास पर 3 दरखास्त पतन के छोड़ के कटवा दिया। अरे साहब ये वीडियो वीडियो लोग पैसा ले लेना होबो कर रहा है जेकर काम देकर हो ना पा वाला लोग कटवा देना। तो इंदिरा आवास और लोहिया आवास की हकीकत आपने देखी। अब देखिए मायावती के कार्यकाल में जोर शोर से मची और शुरू हुई कांशीराम आवास योजना का हाल आपको तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं बुलंदशहर की, जहां से कांशीराम आवास योजना में हुई धांधली की गवाही। इन तस्वीरों से आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 6-7 साल पहले बने मकान अभी से इतने जर्जर हैं कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं, यहां कभी भी हादसा हो सकता है। जाहिर की बात है कि जाहिर ये है कि मकानों के निर्माण में किस तरह लूट खसोट हुई है, जेबें भरी गई हैं, ये समझना अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।
अपने पैसे दे दे के नीचे सफाई कराते हैं। टैंक सारे भर जाते हैं, कोई सफाई करने नहीं आता। लेंटर टूटे वूटे पड़े हैं सारे, इनके पानी छिंच जाता है। हमारे क्वार्टर जा रहे थे, एक तो रसोई छिंच जाती है थोड़ी, एक हमारा फर्श बैठ गया बिल्कुल नीचे का, दो दो तीन तीन ईंट नीचे बैठ गया है। ये हमारे बस की ठीक कराना नहीं है, ये शिकायत तो भतीजी करी, कोई सुनता ही नहीं है। हालत इनकी बहुत खस्ता है और लीकेज हो रहे हैं लेंटर भी और नीम में भी, इनकी नीमों के अंदर पानी जा रहा है, टैंक भरे हुए हैं सबले और सीमेंट वगैरह सब छुट रहा है इनका, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए शासन पिछली रजीम में जो है ये योजना लागू हुई थी और इसका जो कॉस्ट थी वो फिक्स कॉस्ट थी, वो कॉस्ट में गवर्नमेंट ने विभिन्न एजेंसियों को जो है ये काम दिया था, गवर्नमेंट की योजना थी। तो बुलंदशहर में ये काम जो है, बुलंदशहर खुर्जा में ये काम प्राधिकरण को दिया गया था। तीन फेज में इसमें मकान बनने थे, तो फर्स्ट फेज में हमने मकान बना दिए 500, सेकेंड फेज में कोई वो नहीं आया, थर्ड फेज में आया, उसी के बाद गवर्नमेंट बदल गई, फिर ये हुआ कि इसको जो बन गए इनको फिनिश करके दे दिया जाए। बेसिक सुविधाएं जो है जितना भी प्रस्क्राइब धनराशि इसके लिए अलॉट हुई थी उस समय हमने बना के दे दी और हैंडओवर जिला प्रशासन को कर दी है। उन्नाव में भी सरकारी आवासों की हालत खस्ता है। दीवारें खड़ी करने के लिए पहली किस्त जारी हो गई लेकिन दूसरी किस्त जारी नहीं हुई। इस बार 15,000 आवास स्वीकृत हुए हैं बावजूद इसके। 15 में हमारे 14,923 इंदिरा आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था और जिसमें हमने अधिकांश में प्रथम किस्त जो है निर्गत कर दी है। अभी कुछ माइनर 50-60 खाते लोगों के पास प्रोसेस में है, उनको भी जल्दी दिक्कत क्या आती है। दूसरी किस्त जारी करने में दिक्कत क्या आती है? अभी तो दूसरी किस्त के लिए पैसा ही अवेलेबल नहीं है, प्रथम किस्त के लिए जितना पैसा अवेलेबल था उसके सापेक्ष हम लोगों ने प्रथम किस्त निर्गत की। बिल्कुल किस्त जो है समय पे मिलेगा और उसके मैसेज कर दिया जाएगा कि जो सेकंड किस्त है वो समय पे मिलेगा। असल में थोड़ा इंदिरा आवास के बारे में कुछ थोड़ा सा दिक्कत ही आती है कि इंदिरा आवास योजना चूंकि सेंट्रल हमारी प्रदेश सरकार भी देती है, वो तो हम दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो अंशदान है वो थोड़ा कभी कभी देरी हो जाती है, इसलिए वो दिक्कत है। तो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाएं जिसमें होने वाले खर्च में राज्य सरकार की भागीदारी 25% और केंद्र की 75% होती है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई जिसका पुनर्गठन 1999 से 2000 में किया गया। इसके तहत गांव में गरीबों के लिए मुफ्त में मकान बनाए जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चलाई जाने वाली उनके लिए योजना, ग्राम पंचायत के जरिए मकानों का निर्माण इसमें होता है। इस योजना के तहत पहले केंद्र सरकार की ओर से मकान बनाने के लिए 45,000 दिए गए थे, 2013 में बढ़ाकर इसे 70,000 कर दिया गया। वहीं मकान खरीदने के लिए जमीन खरीदने के लिए कर्ज की राशि बढ़ाकर 20,000 रूपये की गई जो सिर्फ 4% इस पर ब्याज पर मिलती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना को देश बीपीएल परिवार, खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति मजदूर विकलांग लोगों के लिए आवास की सहायता प्रदान करना है। तो इंदिरा आवास की हमने बात की, इस योजना को आपने जाना। अब हम बताते हैं लोहिया आवास योजना के बारे में, राज्य सरकार की योजना है। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे परिवारों का चयन होता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 36,000 से कम हो। इंदिरा आवास की पात्रता श्रेणी में ये नहीं आते। इसमें आवास का आवंटन परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होता है। प्रति आवास की अनुमानित लागत 1,20,000 है। इसमें 2 कमरे हैं। इनके लाभार्थियों का चयन भी ग्राम सभा स्तर पर किया जाता है। वहीं बीएसपी शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से कांशीराम शहरी गरीबी आवास योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब बीपीएल परिवारों के लिए कॉलोनियां बनाई गई थी लेकिन इनके निर्माण में हर जगह धांधली हुई है। आज भी जिन जिलों में कॉलोनियां हैं वहां के हालात जर्जर हैं।